spectacular! हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिकेत शर्मा, वेलकम टू चैनल हाउस एट। तो लीग स्टेज का बाकी है लास्ट दिन, यानी दो मैचेस, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि लास्ट टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी। यानी तीन टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है और चौथी टीम अभी तक हमें नहीं पता, और लास्ट दिन है आज लीग स्टेज मैच का कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। तो आज मैच था राजस्थान और दिल्ली का। फाइनली राजस्थान आज ऑफिशियली वीवा आईपीएल 2019 से बाहर हो चुकी है, बिकॉज आज राजस्थान और दिल्ली का मैच था जिसमें राजस्थान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली और खाली 115 रन बनाए, वो भी रेयान पराग के चलते। एक और अच्छी इनिंग उन्होंने खेली और अपने टैलेंट को वापस उन्होंने शो किया। फाइनली उन्होंने एक अपनी वीवा आईपीएल की पहली 50 मारी 50 रन की बदौलत, 115 रन बनाए राजस्थान ने। जहाँ पे लग रहा था कि राजस्थान 100 रन भी नहीं बना पाएगी, वहाँ पे बने 115 रन। और उसके बाद स्पिनर का बोल बाला रहा पूरे मैच में, और बहुत कम बार ऐसा देखा गया है, और इस आईपीएल में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि स्पिनर प्लेयर ऑफ द मैच बन रहे हैं। आज ऐसे ही हुआ, अमित मिश्रा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिया, अमित मिश्रा ने 3 विकेट लिए। उसके बाद जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो ओपनिंग उनकी ठीक ठाक हुई और उसके बाद पहला विकेट गिरा, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट है, उसके बाद कॉलिन इंग्राम आउट है, तो वो ये दो विकेट एक साथ गिर गए थे। लेकिन ऋषभ पंत एक तरफ खड़े हुए थे, जिस ऋषभ पंत ने 50 रन की एक इनिंग खेली, जिसके चलते दिल्ली ने ये मैच काफ़ी आसानी से जीत लिया और दिल्ली पॉइंट्स टेबल में सेकंड पे आ गई है। तो दिल्ली ये चाहेगी कि मुंबई हारे ताकि उनको इस आईपीएल में दो चांसेस मिले। अगर वो पहला मैच हार भी जाए तो उनको फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए दूसरा चांस भी मिले। तो पहले मैच का तो ये रहा, और दूसरा मैच था आरसीबी वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद के लिए मस्ट विन मैच था, लेकिन सनराइजर हैदराबाद ये मैच हारे क्योंकि हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी और बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर फाइनली उन्होंने खड़ा किया, बिकॉज 175 रन बनाए और लास्ट ओवर में उमेश यादव के 28 रन आए, जिसके चलते 175 रन आए। और विलियमसन ने एक कैप्टन नॉक खेली 70 रन की, और एक बहुत अच्छी नॉक थी, उसी की बदौलत 175 रन बने सनराइजर हैदराबाद के। तो विजय शंकर को यार वापस वही हो रहा है, स्टार्ट तो उनको मिल रहा है लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे, तो 27 रन उन्होंने भी बनाए। और चहल तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं, उसके बाद जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो फाइनली वेस्ट इंडीज पावर हमें देखने को मिली आरसीबी की तरफ से, बिकॉज सिमरन एटमायर जिनको शुरू में मौके मिले नहीं चले, लेकिन आज उनको मौका दिया गया। 75 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग उन्होंने खेली, और गुरकीरत मान जो पिछले 3-4 मैचेस जब जब उनको कंटिन्यूसली चांस दिया गया, जब जब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, 3-4 मैचेस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 65 रन की इनिंग उन्होंने खेली, जिसके चलते ये मैच जीता आरसीबी। तो लास्ट ओवर में उमेश यादव ने 28 रन खाए थे, लेकिन वही लास्ट ओवर में उन्होंने दो चौके मार के अपने 28 रन की भरपाई भी कर दी, और आरसीबी ने भले क्वालिफाई नहीं कर पाई हो लेकिन अपना आखिरी मैच अपने घर में वो जीत के गई है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा इससे कि अगले आईपीएल में वो वापस उसी जोश से आए और अच्छा परफॉर्म करें आईपीएल में। तो एसआरएच लेकिन अभी भी चौथे पे है, तो एसआरएच ये दुआ करेगी कि आज जो मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस केकेआर, वो मुंबई जीते तो एसआरएच क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर केकेआर जीतती है तो केकेआर सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। तो पहला मैच है पंजाब और सीएसके का, उसमें मेरी पिक रहेगी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, और दूसरा मैच है मुंबई एंड केकेआर, तो उसमें मेरी पिक रहेगी शायद केकेआर ये मैच जीत जाए। तो अब हमें देखना होगा कि आज जाके हमें पता लगेगा कि हमारी वीवा आईपीएल 2019 की चौथी टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी, और वो कौन सी चार टीमें होंगी जो इस वीवा आईपीएल को जीतने की दावेदारी पेश करेंगी आगे। तो आज है लीग स्टेज का लास्ट मैच, उसके बाद 7 मई को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। सो पहले आज का मैच देखें, आज है संडे, इन्जॉय करें, मज़े मारें, दोनों मैच देखें, दोनों मैच बहुत अच्छे हैं, एक वानखेड़े में एक मोहाली में है, तो दोनों जगह रन बनेंगे। तो मैच देखें, मज़े मारें, और उसके बाद स्टे ट्यून्ड विद अनिकेत शर्मा एंड स्टे ट्यून्ड विद हाउस एट, एंड कीप वॉचिंग हाउस एट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, और आगे पता है आपको जो फिट है वो हिट है।